वेलकम बैक टू माय चैनल। ये तो ऐसे ही किया हूँ, रुको उखाड़ देता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ इसे उखाड़ने के बाद, बाय। वैसे तो मेरे बाल लंबे हैं, लेकिन वो क्या है, इधर मैं वो लगा कर रखा था ना, तो फिर उसके वजह से ये मेरा बाल छोटा लग रहा है। तो फिर लेट्स स्टार्ट। की स्टार्टिंग मैं करूंगा पूजा रूम से। तो फिर ये है हमारे भगवान, है हमारे भगवान, ओम नमः शिवाय। ये पर्दे थोड़े ठीक नहीं है घर, और ये तो ऐसे ही है बिना काम का। देखिए मेरा भाई दिन भर लगे रहता है मोबाइल में, पता नहीं इसे मोबाइल में क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मोबाइल में ही रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना गोल गोल क्यों है, सारे लाइट्स हैं ना इसलिए। एक तो ये गोल टीवी कैबिनेट का, उसके बाद ये गोल, और उसके बाद ये झूमर गोल्ड। अभी गर्मी है तो फिर गर्मी ऑब्वियसली लगी रही है, लेकिन जैसे ही रात होता है तो फिर ऑटोमेटिकली ठंडी लगने लगती है, तो फिर वही ठंडी की वजह से वो पहन कर रखा था। ये तो पूरा शर्ट पहन कर रखा है, पता नहीं इसको क्यों क्यों लगती है ठंडी, गर्मी। ओके देखो गाइस, अभी तो ये बंद पड़ा है, रुको। यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक तो इतना मस्त है, अभी कोविड का त्यौहार मैं बाहर निकलूंगा नहीं, क्योंकि कोविड से किसको डर नहीं लगता है। अभी उधर गार्डन में लाइट नहीं चालू है इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रहा है, नहीं तो अगर आप सुबह देखोगे तो फिर एकदम मस्त नज़ारा है। और एक्चुअली सुबह कुछ ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है। एक्चुअली ये तो है मेरी मम्मी का किचन, और अभी का खाना तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। यह पतला किचन है क्योंकि जो हम खरीदने आए थे, तो फिर यह जो मेरी सोसाइटी है उधर जितने भी किचन्स हैं वो सब छोटे ही हैं, सिर्फ कुछ किचन्स ही बड़े होंगे। ये आप देख रहे होंगे कंपास, ड्राइंग बुक और बुक। ये एक्चुअली मैं अभी सोच रहा हूँ कि अपने पापा का और मामा का ड्राइंग बनाऊँ इसलिए। तो फिर ये था हमारे नीचे का पूरा पूरा का पूरा, और ये है हमारी सोसाइटी। इधर मस्त मैं फ्लावर व्लावर रख कर रखा हूँ, और बास्केटबॉल भी, और उधर साइकिल। उधर लाइट नहीं चल रही है तो फिर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और बहुत मस्त गार्डन है उस तरफ, आपको मैं कभी और दिखाऊंगा। तो फिर अभी मैं आपसे मिलता हूँ ऊपर, ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊपर हमारा रूम कैसा है। तो फिर तब तक के लिए बाय। तो फिर वापस से आपका वेलकम। ये मेरे पीछे का एरिया है, ये अभी लाइट नहीं जल रही है तो फिर आपको दिख रहा नहीं होगा, लेकिन अगर आप सुबह एग्जैक्टली नीचे से, नीचे जैसा था वैसा देखोगे ना, बहुत मज़ा आएगी, बहुत यानी कि बहुत, एकदम कुहासा फॉग रहता है। ये है मेरा रूम, स्टडी टेबल, ये नीचे का पता नहीं क्यों पापा ने डाल दिया, और ये मेरा स्टडी टेबल है और वो आरुष का स्टडी टेबल है। प्रिंटर एक्चुअली पापा का है, और ये हमारा बेड। देखो भाई साहब इधर भी मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल से छुटकारा मिलता ही नहीं है। ये है मेरे पापा मम्मी का रूम। अब लाइट टाइम एग्जैक्ट उधर से हमारा पीछे का एरिया दिखता है, और इधर से सोसाइटी का, इधर ज़्यादा खास नहीं लगता है। ओके तो फिर ये था हमारा आज का होम टूर, सो बाय गाइस, आपसे हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में।
सोचा था कि और लंबा करूं, लेकिन अभी मम्मी पापा बाहर से आ गए हैं। थैंक यू, बाय। बाय नहीं, हाय। मैं पहले एक आर्ट का चैनल बना रखा था, लेकिन उधर मैं अपना नाम डीजी आदित्य ही रखा। मतलब कि जो फोटो था आइकन, वो डीजी आदित्य का ही था। तो फिर मैं सोचा कि ये डीजी आदित्य में सभी आर्ट ब्लॉगिंग सब डाल दूंगा। अभी पीछे से एक्टिवा चला तो फिर साउंड थोड़ी कम आएगी। आपको नेक्स्ट व्लॉग में मेरा मिलेगा पूरा का पूरा एक सोसाइटी टूर, जिसमें मैं आपको अपने फ्रेंड्स से मिलाऊंगा और बहुत से कुछ। तो फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा और शेयर करूंगा। मैं अभी उतना पक्का तो नहीं हूँ आर्ट में, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है मुझसे। ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम बकवास बनता है, थोड़ा तो बन जाता है। देखिए, अभी मैंने पापा की ड्राइंग बनाई थी, लेकिन वो पापा का कुछ और था। पापा का था ये फोटो, और जब मैं तैयारी कर रहा था और बना भी चुका, तब कुछ और अजीब सा बना। रुको, दिखाता हूँ। देखो गाइस, आप खाली कंपेयर करो, इसका जो फेस है, मतलब मेरे पापा का जो फेस है वो कैसा है, और इसका जो फेस है वो कैसा बना है। कंपेयरिंग, कंपेयर, प्लीज़ कंपेयर। एकदम अजीब सा। पापा का थोड़ा लंबा है, ये मैं थोड़ा छोटा बना दिया, और ये पापा का थोड़ा सा श्रिंक्ड है, और ये कुछ ज़्यादा ही है बड़ा, मोटा। तो फिर देखो, पहला तो ऐसा बना, पता नहीं दूसरा कैसे बना पाऊँगा। मामा का ट्राई करता हूँ, क्योंकि उनका तो और भी ज़्यादा हार्ड है। देखिए, उनका तो ऐसा फेस है पूरा, हाथ वात रखे हैं, तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इस दाढ़ी पर होगी, और इस वॉच पे, और टी शर्ट। बाकी सब इजी लग रहे हैं। अब पता नहीं पक्का कैसे बनेगा। गाइस, मैं दिखा नहीं पाया, और बन भी चुका है मेरा, लेकिन वो मम्मी ने बोला है कि अभी फोल्ड कर और रख दे जब सोने। तो फिर अब क्या करें हम लोग, हमें तो जाना ही पड़ेगा। मम्मी का ऑर्डर नहीं मार देंगे तो फिर मम्मी ये मारेगी। ये देख रहे हो, ये सीधा पड़ेगा गाल पे, और गाल पर छप जाएगा एक हाथ। फिर बाद में देख लेना तुम कैसे दिखोगे। ओके, सो बाय गाइस। ये था मेरा आज का होम टूर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा होम टूर कैसा लगा, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो। सो बाय गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। थैंक यू, बाय।